सच्चा सौदा। कुछ चित पिछो गुरु जी ने पशु चार नहीं छड़ दिते। ओकार ही घंटिया बद्दी एक बन्ने चुपचाप बैठे रहंदे। कई कई दिन ना कुछ खाते ना पीते। गुरु जी के माता पिता को बड़ी चिंता लगी। उन्होंने समझा कि गुरु जी बीमार हो गए हैं। तो कई हकीम अते वैद सदे गए पर उन्होंने हालत में कोई फर्क ना पिया। दो तीन महीनों पिछों ही वह अपने आप ही राजी हो गए। इस परिवर्तन से उन्होंने माता पिता बड़े खुश होए। मेहता कालू ने एक दिन गुरु जी ने कोल बुला के कहा, बेटा तू हुण सियाणा हो गया है, तेनू कोई कारोबार शुरू कर लेना चाहिदा है। ए लै 20 रुपए ते मंडी जाके व्यापार लई कोई सौदा पत्ता लै आ। गुरु जी अपने पिता की आज्ञा अनुसार घरों तुर पए। मेहता जी का एक सेवक भाई बाला भी उन्हां नाल गया। जदों चूड़काने लागे पहुंचे तो उन्होंने राह विच कुछ साधु वेखे जो कई दिनों तो भुखे सन। गुरु जी ने सोचा कि इन्हां भुखे भाने साधुओं नूं भोजन छकाउण तो वध लाभदायक सौदा किहड़ा हो सकता है। तो उन्होंने मंडी तो खाण पीण दीआं चीज़ां लिया के साधुओं विच वंड दित्तीआं। वापसी तो उन्होंने ख्याल आया कि मेहता कालू इस सौदे से उन्होंने बड़े नाराज होणगे, इसलिए उन्होंने बाले नूं घर भेज दिता ते आप पिंडों बाहर एक रुख थले बैठ गए। जद घर पहुँच के बाले ने सारी गलबात दसी तां मेहता कालू गुस्से विच आपे तो बाहर हो गए। उस वेले उत्थे गए जिथे गुरु जी बैठे सन अते उन्होंने धू के घर लै आए। चपेड़ा मार के उन्होंने मूँह से नील पा दिते।